अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में महंगाई 8% से तजावज़ कर गई। स्टेटिक्स कनाडा की जानिब से अदाद शुमार जारी कर दिए गए। माहिरीन का कहना है कि आवाम चंद महीनों में रिलीफ देखेंगे। जनूबी ओंटारियो के कुछ हिस्सों के लिए तूफान का खतरा। ओले पड़ने और 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। बैरी और लंदन समेत सूबे के दीगर इलाकों में टोर्नेडो वॉचेस भी जारी। टोरंटो पुलिस गैर मंजूर शुदा हेल्स एंजल्स रैली के लिए तैयार। शहरियों को ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि वो जुलूस की नकलो हरकत पर नज़र रखेंगी। अमरीका ने पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग की वॉच लिस्ट से निकाल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान को अभी मज़ीद इकदाम करने हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी मजमूई तौर पर बेहतरीन रही। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की लहर से 1500 अफराद हलाक। इटली और बरतानिया में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। फ्रांस में 22,000 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात मुतासर। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। स्टेटिक्स कनाडा के इस हफ्ते के नए आदादोशुमार से पता चलता है कि ज़िंदगी की लागत जून तक साल में 8.1% की आंखों को पानी देने वाली रफ्तार से बढ़ रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के इस हफ्ते के नए आदाद शुमार से पता चलता है कि ज़िंदगी की लागत जून तक साल में 8.1% की आंखों को पानी देने वाली रफ्तार से बढ़ रही है। कोई भी जिसने हाल ही में गैस का टैंक या शॉपिंग कार्ट भरा है वो जानता है कि इस वक्त तकरीबन हर चीज़ की कीमत किस तरह तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन शह सुर्खियों के नीचे झांकने से पता चलता है के मोहतात उम्मीद की कुछ वजूहात हैं कि शायद हम पहले ही महंगाई की जद में हैं। माहिरीन का कहना है कि कीमतें अब भी दहाइयों में अपनी तेज तरीन रफ्तार से बढ़ रही हैं लेकिन कुछ रिलीफ आखिरकार हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक खुराक की कीमतों में हाल ही में एकदम तोड़ देने वाली रफ्तार से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल से कीमतों में 8.8% इजाफा हुआ है लेकिन यह असल में इजाफे की वही सालाना रफ्तार है जैसा कि ये एक माह पहले था और ग्रोसरी स्टोर की कीमतें हकीकत में इस जगह से नीचे थीं जहां से वो मई में थीं। अप्रैल 2021 के बाद ये पहली बार हमने देखा है। माहिरीन का कहना है कि हम खुराक की बढ़ती कीमतों की सुरंग का इख्तिताम देखना शुरू कर रहे हैं। खाने पीने की कीमतें बढ़ेंगी लेकिन जिस रफ्तार के साथ कीमतें बढ़ रही हैं वो 2022 के इख्तिताम पर सुस्त हो जाएगी। जनूबी ओंटारियो के कुछ हिस्सों के लिए तूफ़ान की शदीद निगरानी बरकरार है क्योंकि निकल के साइज़ के ओले और 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं सिस्टम में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जनूबी ओंटारियो के कुछ हिस्सों के लिए तूफान की शदीद निगरानी बरकरार है, क्योंकि निकल के साइज के ओले और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं सिस्टम में मौजूद हैं। माहौलियात कनाडा ने टोरंटो, यॉर्क रीजन, डरहम रीजन, नियाग्रा, हॉल्टन रीजन और हैमिल्टन के लिए वेदर वॉचेस जारी की, जिसमें रिहायशियों को खबरदार किया गया है कि शहर में बड़े ओलों के साथ साथ 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बैरी और लंदन समेत सूबे के दीगर इलाकों में टोर्नाडो वॉचेस जारी की गईं। तेज हवा के झोंके कमजोर चीजों को मुतासर कर सकते हैं, कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दरख्तों की शाखें तोड़ सकते हैं और बड़ी गाड़ियों को उलट सकते हैं। ये तूफान की वार्निंग्स जनूबी ओंटारियो में गर्मी की वार्निंग खत्म होने के बाद जारी की गई है। इंतबाह मंगल को शुरू हुआ और सूबे के बेशतर हिस्सों में फैला हुआ है। टोरंटो पुलिस गैर मंजूर शुदा हेल्स एंजल्स रैली के लिए तैयार है। पुलिस ने रिहायशियों को खबरदार किया कि वो शदीद ट्रैफिक और सफर में ताखिर के लिए तैयार रहें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। टोरंटो पुलिस गैर मंजूर शुदा हेल्स एंजल्स रैली के लिए तैयार है। पुलिस ने रिहायशियों को खबरदार किया कि वो शदीद ट्रैफिक और सफर में ताखिर के लिए तैयार रहें। टोरंटो पुलिस एक गैर मंजूर शुदा हेल्स एंजल्स बाइकर्स के जुलूस की तैयारी कर रही है, जिसकी तवक्को है कि हाईवेज और शहर की सड़कों पर सैकड़ों बाइकर्स मौजूद होंगे। टोरंटो पुलिस सर्विस की जानिब से कहा गया है कि फोर्स तवक्को कर रही है कि 800 से 1000 हेल्स एंजल्स और मोटरसाइकिल के दीगर शौकीन अफराद एक नामालूम रुकन की याद में मुख्तलिफ गलियों से गुजरेंगे, जिसका हाल ही में इंतकाल हो गया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस शख्स की याद मनाई जा रही है वो हेल्स एंजल्स के साबिक रुकन डॉनी पेटरसन है। पुलिस ने जुलूस को गैर मंजूर शुदा करार देते हुए कहा कि इस ग्रुप के पास इस तकरीब के लिए इजाजत नामा नहीं है। पुलिस सफर पर जुलूस के असरात के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन मुसाफरों, हंगामी गाड़ियों और रिहायशियों की हिफाजत के लिए रुकावट को कम करने का मंसूबा है। पुलिस का कहना है कि वो जुलूस की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। टोरंटो पुलिस का कहना है कि वो ट्रैफिक को मुनज्जम करने और अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए सूबाई पुलिस के साथ साथ यॉर्क रीजनल पुलिस के साथ काम कर रही है। हम इस ग्रुप के साथ मुसलसल रابطे में हैं ताकि ये समझ सकें कि वो बिल्कुल क्या करना चाहते हैं। अमेरिका ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए दर्जे दोम वॉच लिस्ट से निकाल दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए दर्जा दो वॉच लिस्ट से निकाल दिया। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इंसानी स्मगलिंग के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में देरपा कारकर्दगी दिखाने वाले मुमालिक और अफराद को सराहा गया है। अमरीकी वजारत खारजा की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा गया है कि इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के इकदाम पर करोना वायरस की वबा के मुमकिन असरात के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजमू तौर पर बेहतरीन रही, जिस पर पाकिस्तान को दर्जे की वॉच लिस्ट से निकाल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट पर अमल दरामद किया और इस जमन में मुकदमा तफ्तीश और समाअत समेत सजाओं में इजाफा किया, मुतासरीन को तहफ़ुज़ फराहम किया और स्टेक होल्डर्स को तरबियत दी। ताहम रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ करना है और मौजूदा काविशें देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान यह अहदाफ भी हासिल कर लेगा और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के कम से कम मयार तक पहुँच जाएगा। ख्याल रहे कि इंसानी स्मगलिंग की दर्जा दो वॉच लिस्ट में वो ममालिक होते हैं जिन पर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में अहकामात की अदम तामीर और देरपा कारकर्दगी पर ना सिर्फ पाबंदी लगाई जा सकती है बल्कि अमरीकी और आलमी इमदाद की फरहमी भी मशरूत की जा सकती है। पाकिस्तान 2015 से 2017 में इंसानी स्मगलिंग की वॉच लिस्ट के 3 दर्जे में रहा। 2018 में 3 से दर्जा 2 में अपग्रेड किया गया। 2019 में यही दर्जा बरकरार रहा, ताहम 2020 में तनजली हो गई जो 2021 में भी रही। स्पेन और पुर्तगाल में शदीद गर्मी से मजमू तौर पर 1500 अफराद हलाक हो गए। स्पेन और पुर्तगाल में दर्ज हरारत में इजाफे से जंगलात में आग भड़क उठी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की लहर से 1500 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्पेन और पुर्तगाल में शदीद गर्मी से मजमू तौर पर 1500 अफराद हलाक हो गए। पुर्तगाल में गर्मी से 1000 अफराद जबकि स्पेन में 500 अफराद हलाक हुए। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेस का कहना है
कि स्पेन में गुज़िश्ता 10 रोज़ में गर्मी के बाईस 500 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं। स्पेन और पुर्तगाल में दर्जा हरारत में इजाफे से जंगलों में आग भड़क उठी। पुर्तगाल में आग से 75,000 एकड़ और फ्रांस में 22,000 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात मुतासिर हुए, जबकि हज़ारों अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। लंदन में दर्जा हरारत में इजाफे से रिहायशी इलाकों के करीब वाक़े जंगलात में आग से मुतादित मकानात को भी नुकसान पहुंचा। इटली भी रिकॉर्ड गर्मी की लपेट में है। गर्मी की लहर से मुतासर यूरोपीय ममालिक में हुकाम ने शहरियों को बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने की हिदायत की है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।